दिल्ली में कांग्रेस के सीईसी की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे शामिल। कभी भी जारी हो सकती है लिस्ट, सभी 25 सीटों पर बन चुकी है सहमति। आज देर रात या शुक्रवार सुबह लिस्ट जारी होने की संभावना है। प्रत्याशी के चयन को लेकर के लगातार मंथन हुआ था, मंथन के बाद में लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, या तो आज रात्रि तक जारी हो सकती है लिस्ट, या फिर कल सुबह कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी हो सकती है। जालौर सिरोही पर रतन देवासी को, पाली से बड़ी जाखड़ को, नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा का नाम पैनल में सहमति पर है। बाड़मेर जैसलमेर से कर्नल मानवेंद्र सिंह पर फैसला लिया गया है। सीकर से सुभाष मेहरिया, ये तमाम नाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। उदयपुर से रुखबीर मीणा, सीईसी के सामने राजस्थान के सभी प्रस्तावित लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम चर्चा के साथ साथ मान्यता के लिए रख दिए गए हैं। उस पर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है और आज रात या बहुत जल्द से जल्द इसका जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। 25 सीटों पर सहमति बन गई है। जो सीटों पर मान्यता माननीय कांग्रेस अध्यक्ष देंगे उनका अनाउंसमेंट आज रात को या कल जल्द से जल्द हो जाएगा। सीईसी बैठक खत्म हो चुकी है, काफ़ी कई घंटों की लंबी जो है डिस्कशन के बाद आज 25 की 25 सीटों पर अंदर राजस्थान सोनिया गांधी की आवाज़ पे राजस्थान को लेकर चर्चा की गई। सीईसी बैठक में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 की 25 सीटों पर जिस तरीके से चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभारी अविनाश पांडे ने बाहर आके ये कहा कि आज राजस्थान को लेके, लोकसभा चुनाव को लेके पहली सूची राजस्थान की जारी हो सकती है बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही घंटों में राजस्थान को लेके पहली सूची जारी हो सकती है। उसमें जिस तरीके से तमाम नामों को लेके कयास लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एक ही पैमाने पर टिकट दी है कि केवल और केवल जिताऊ कैंडिडेट, यानी कि चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, जिस तरीके से प्रभारी अविनाश पांडे ने सीईसी बैठक खत्म होने के बाद ये कहा। बैठक में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, सचिन पायलट शामिल हुए, इसके साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह को भी सीईसी बैठक में शामिल किया गया। इसके साथ विवेक बंसल और प्रभारी अविनाश पांडे बैठक में मौजूद रहे, हालांकि तरुण कुमार को भी बीच में इस बैठक के लिए बुलाया गया था। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।